हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो गेम ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी कुछ बना लिया था। अब आज हम देखेंगे इस पे कुछ साउंड इफेक्ट्स डालेंगे, जैसे हमारी डाइस रोल होती है या प्लेयर मूव होते हैं, तो उस पे हम अपने साउंड्स के इफेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा पहले तो साउंड, और उस साउंड को यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर अपना एक असेस्ट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना देते हैं ऑडियो नाम से। ऑडियो यहाँ पे ऑडियो ऑडियो अब ऑडियो के अंदर आपको लूडो ऑडियो और ये जो ऑडियोज हैं आप नेट से या कहीं से भी रिसर्च करके आपको निकालना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर दूं ये फाइल्स। तो तो इनको आइए अपने उस फोल्डर के अंदर रख लेते हैं जो ये हमने बनाया था। और यहाँ पे रखने के लिए आपको ये फाइल्स को यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा, और अभी ये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास गेम मैनेजर है ना, इस गेम मैनेजर पे एक ऑडियो सोर्स हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे आते हैं, ऐड करते हैं क्या ऑडियो ऑडियो सोर्स। ओके, इस ऑडियो सोर्स में ऑडियो क्लिप कौन सा, मूव वाली क्लिप को लोड कर देते हैं। ठीक है, और इसका प्ले ऑन अवेक फंक्शन जो ट्रू है इसको हटा देते हैं। ये तब होता है जैसे ही आपका ऐप रन करेगा तुरंत ये प्ले करने लगेगा, उसके लिए होता है, तो इसको अनचेक कर देंगे। देन आइए स्क्रिप्ट देखते हैं कि क्या है। गेम मैनेजर पे थोड़ा सा काम करेंगे। एक यहाँ पे लेंगे, आप चाहें तो पब्लिक ले लें या नॉर्मल ले सकते हैं। चलिए पब्लिक ले लेते हैं, पब्लिक ऑडियो सोर्स। ठीक है, और इसका नाम ADS दे देते हैं। और जब ये अवेक हो रहा है ना, उसी टाइम पे इस पे हम ऑडियो सोर्स को निकालेंगे कहाँ से, गेट कंपोनेंट से डायरेक्ट निकल जाएगा ऑडियो गेट कंपोनेंट से, ऑडियो सोर्स डायरेक्ट निकल जाना चाहिए ऑडियो सोर्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास ऑडियो सोर्स। अब यहाँ पे आपको ऑडियो सोर्स मिल जाएगा, इसके बाद आप जहां भी इसको प्ले करना चाहते हैं, तो जब हमारा ये प्ले कहाँ पे होगा, मूव स्टेप अनम जहाँ पे प्लेयर्स मूव कर रहे थे, यानी कि प्लेयर पीस पे आएंगे। मेक प्लेयर रेडी टू मूव को छोड़िए, और ये जो हो रहा था है ना, यहाँ पे हम चाहें तो गेम मैनेजर .gm.ads.play ये आपका फंक्शन है। अब जितनी बार भी ये मूव करेगा हमारा प्लेयर, उतनी बार एक साउंड यहाँ से आएगा। मैं साउंड अभी टेस्ट नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ये सिस्टम पे प्ले नहीं होगा, माइक लगा हुआ होता है तो आवाज नहीं आती है। ये फोन में डेफिनेटली वर्क करेगा बट यहाँ पे नहीं करेगा।
ठीक है, अभी हमने क्या किया कि प्लेयर्स के लिए तो साउंड लगा दिया, और आइए इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं, अगर कोई एरर हो भी वो तो दिखाएगा ही। यहाँ पे आते हैं और कंप्यूटर के साथ इसको प्ले करते हैं। 5 2 5 6 आने का वेट करना पड़ेगा। लूडो में ये तो दिक्कत है कि आपको टेस्टिंग बहुत करनी पड़ेगी, लास्ट टाइम पे तो हर एक चीज के लिए काफी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अब सारी चीजें सीक्वेंस से बन चुकी हैं, तो आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके फास्ट फॉरवर्ड तो कर ही नहीं सकते हैं, और अगर करते हैं तो वो बेस्ट टेस्टिंग का तरीका भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट एरर है भी या नहीं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि अभी तक 6 नहीं आया, ना कंप्यूटर पे ना हमारे पे। वेट करते हैं, वेट करते हैं, 6 आ गया। अब जब ये मूव करेगा, देखिए तो ये विथ साउंड मूव करेगा, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, बट है डेफिनेटली साउंड लगा हुआ है। अब हम एक और चीज कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ही ये हो गया तो यहाँ पे एक और काम हमें करना है, जो हमारे डाइस है ना, डाइस रोल हो रहे हैं, उस रोलिंग पे भी एक आवाज आनी चाहिए, साउंड आना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक गेम ऑब्जेक्ट यानी एम्पटी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं ऑडियो। ठीक है, एक ऑडियो नाम से हमने बनाया और इसी में हमारे सारे ऑडियोज आ जाएंगे। तो हमें अभी क्या चाहिए, डाइस के लिए चाहिए, डाइस के लिए ऑडियो चाहिए, तो आप हम यहाँ पे डाइस दे देंगे, डाइस दे देंगे। अब इस डाइस पे क्या होगा, यहाँ पे ऑडियो सोर्स है, ये गेम मैनेजर का ही था ना, हाँ ठीक है, क्योंकि लॉक लगा हुआ था। तो यहाँ पे डाइस पे आते हैं, इस पे भी हम एक ऑडियो सोर्स ऐड करेंगे और इसमें अपने डाइस को ड्रॉप कर देंगे, अवेक को ऑफ कर देंगे। ओके, इतना सेटिंग मस्ट है, कर लेंगे। इसके बाद हमें एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी और उस स्क्रिप्ट को हम लोग, स्क्रिप्ट है यहाँ पे क्रिएट C# स्क्रिप्ट, और इसका भी नाम हम दे देते हैं डाइस। ठीक है, और इस डाइस स्क्रिप्ट को इस पे कनेक्ट कर लेंगे, तो अब हमारा स्क्रिप्ट भी इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। चलिए हम लोग अभी इस पे कोड कर लेते हैं, अब यहाँ पे ये रिलोड हो जाएगा क्योंकि हमने नया स्क्रिप्ट बनाया है, और वो हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे है, ये अपडेट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टार्ट रहने देते हैं, स्टार्ट पे हम लेंगे। और अब यहाँ पे हम एक बनाते हैं ऑडियो सोर्स ADSC ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब ये स्टार्ट होगा तो ADS इक्वल टू गेट गेट कंपोनेंट से ऑडियो सोर्स निकाल लेंगे और इसको एक मेथड के अंदर कॉल कर लें, जिससे इसको हम प्ले कर पाएंगे कहीं से भी। तो पब्लिक वाइड वाइड प्ले साउंड। अब इस प्ले साउंड में ये इस तरह से हो जाएगा प्ले साउंड, और ADS डॉट प्ले कर देंगे जैसे हमने अभी गेम मैनेजर में बनाया था। बट अभी ये जो हमारा ऑडियो सोर्स है, ये डाइस पे लगा हुआ है, हमको कहाँ चाहिए, रोल पे चाहिए, ये जो हमारी रोलिंग डाइस है इस पे चाहिए, और जब भी हमारा डाइस रोल होगा तब हम इसको प्ले करेंगे। अब इस चीज को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक वेरिएबल लेना पड़ेगा और ये होगा डाइस डाइस, और इसका नाम दे सकते हैं डाइस साउंड। ठीक है, डाइस साउंड बस सफिशियंट। अब हमें इस डाइस साउंड को जहां पे हमारा
कैन डाइस रोल ट्रू हो रहा है ना, कैन डाइस रोल ट्रू हो रहा है वहीं पे जाके, ये देखिए, वेट अ सेकेंड, आई एम रोलिंग डाइस, कैन डाइस रोल, ये देखिए यहाँ पे फॉल्स किया, यहीं पे हम इसको साउंड दे देंगे, तो डाइस साउंड डॉट प्ले साउंड, प्ले साउंड, ठीक है। अब जब भी ये होगा तो अपना एक साउंड प्ले करेगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने ये डाइस साउंड एक वेरिएबल लिया, इसमें साउंड डाइस अभी लोड नहीं हुआ है, तो हमको अपने यूनिटी में आके इसको लोड करना पड़ेगा, और हमको हमारे डाइस पे लोड करना पड़ेगा। तो गेम पैनल के अंदर डाइस बोर्ड नहीं, लूडो होम, जैसे ब्लू पे हमारा ये डाइस रोल है, इसमें हमको एक वेरिएबल मिल रहा है ना, नन है, इसमें इसको डाल देंगे, नहीं तो ये एरर दे देगा। इसी तरह येलो पे भी आपको ये डाइस डालना पड़ेगा, इसी तरीके से ग्रीन पे भी हमें डाइस को ड्रॉप करना पड़ेगा, और एक और बचा है रेड, तो रेड पे भी हम इस डाइस साउंड को ड्रॉप कर देंगे। अब हमारा जो डाइस है उस पे हमारा ये डाइस ऑडियो लग चुका है, जब भी डाइस रोल होगा तो ये साउंड प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर नहीं आती है दैट मीन्स ये सही होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। और जब हम इसको मोबाइल में चलाएंगे, ये बकायदे जब रोल हो रहा है तो भी एक प्यारा सा साउंड आएगा, और जब ये प्लेयर्स मूव कर रहे हैं तो भी एक साउंड आएगा। तो आप लोग भी इसको बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करें, मैं आपको पूरी सहायता करूंगा। हाय फ्रेंड्स, तो अगर आपने इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक फॉलो किया है तो इसका मतलब यह है कि आप गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्यूटोरियल में तो मैं आपको लूडो गेम पूरा कंप्लीट दे रहा हूं, जिसमें आप ऑफलाइन फ्रेंड्स के साथ, कंप्यूटर के साथ, वन प्लेयर, टू प्लेयर और थ्री प्लेयर, फोर प्लेयर के साथ प्ले कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट हाँ, अगर आप एडवांस लेवल पे सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन गेम बना लूं, या अपने गेम में कुछ क्वाइन सिस्टम हो जाए जिसमें लोग पैसे लगाएं उसके बाद एक दूसरे के साथ प्ले कर सकें, या टूर्नामेंट टाइप का कुछ आप बनाना चाहते हैं, तो वो चीजें इस पे नहीं होंगी। अगर आप इस एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑनलाइन गेम बना सकते हैं, कैसे क्वाइन सिस्टम बना सकते हैं, कैसे टूर्नामेंट वाले एनवायरमेंट को अपने गेम के अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से हमारे जो मान लीजिए प्रोफाइल्स हो गया, पासवर्ड चेंज करने का सिस्टम हो गया, लॉग आउट करने के बाद लॉग आउट हुआ, इस तरह से एनिमेशन आया, देन एक लॉग इन स्क्रीन आ गई, इसी तरीके से हम इसमें साइन अप का भी बनाएंगे, लॉग इन बनाएंगे, कोई भी अपना कॉन्टेक्ट और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकता है। यहाँ पे अपनी डिटेल दिया, और ये नंबर मेरा नहीं है तो डोंट इस पे कॉल मत करिएगा। कुछ पासवर्ड में गलत हो रहा है, एक मिनट। यस, देखिए इस तरह से लॉगिन होने के बाद इस तरह से सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो अगर इस टाइप का आप गेम बनाना चाहते हैं तो आपको कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाएं और कोर्स को ज्वाइन कर लें। वो कोर्स हमारा 1 मंथ का होगा, 1-to-1 हम लाइव क्लास करेंगे, जहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप डायरेक्टली पूछेंगे, और हम उसको आपके सिस्टम पे एनी डेस्क वगैरह के थ्रू सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें। वैसे तो कोर्स की कॉस्टिंग 6000 है, बट आप यूज कीजिएगा लूडो 60, तो आपको लगभग 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो टाइम के साथ जितना डिले करेंगे हो सकता है डिस्काउंट कम होता जाए या खत्म भी हो जाए, बट अभी आप लूडो 60 को यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं, लगभग 60% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और
बस इसके बाद एडवांस लेवल पे गेम डेवलपमेंट करते हैं और इस गेम को पूरा कंप्लीट ऑनलाइन टूर्नामेंट के साथ बनाएंगे, और इससे आप अपने ऐप की मार्केटिंग कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।